अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कम्युनिटी ग्रुप है जिसमें आप और मैं सिर्फ आपको शो हो रहे होंगे। इसके अलावा आपको कोई और मेंबर शो नहीं हो रहा, क्योंकि कम्युनिटी ग्रुप है वहाँ नंबर शो नहीं होते। जस्ट यही आपको शो होगा कि जैसे आप सिर्फ अकेले उसमें ऐड हो, मगर वहाँ तकरीबन 900 बंदा ऐड है। ठीक है, तो आप ज्वाइन हो सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसमें वीडियो के हवाले से जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट में चाह रही होती है तो कहाँ पे ऑफ प्रॉफिट निकाल लें, कहाँ क्या कुछ वो एसएल रिमूव करें, ये वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैं अपडेट देता हूँ डेली बेसिस पे। वन सिग्नल भी फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ डालता हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपको वहाँ से बेनिफिट भी होगा। ठीक है, तो उसके अलावा जो कुछ लोग कह रहे थे कि पता नहीं ये अकाउंट डेमो है या क्या है, तो ये भाई PKR में अकाउंट है, ये देख सकते हैं इसमें बैलेंस शो हो रहा है। ठीक है, ये PKR में अकाउंट है, अब तक का मतलब ये डिपॉजिट रहा है और ये प्रॉफिट रहा है। अच्छा, आज ये मेरा JPY कैंसल हो गया तकरीबन आज अराउंड अबाउट $5-6 का। अच्छा, बात करते हैं गोल्ड के एनालिसिस की। तो सबसे पहले H1 टाइम फ्रेम में जाते हैं। H1 टाइम फ्रेम में जो मार्केट है वो है बीरेश। ठीक है, H1 टाइम फ्रेम में जो मार्केट चल रही है वो है बीरेश। मार्केट का जो रिसेंट हाई लगा हुआ है वो यही है। ठीक है, और रिसेंट लो जो लगा है वो सबसे नीचे ये है, फिर से ये नहीं, इससे भी नीचे। ठीक है, अब मैं H4 में जाता हूँ, लेवल मार्क करता हूँ। ठीक है, जो मेरे अकॉर्डिंग लेवल बनता है ये बनता है ना। ठीक है, सबसे पहले ये वाला लेवल बनता है। ठीक है, अब इसको हम करते हैं H1 टाइम फ्रेम में रिफाइन। ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा, अब इसको थोड़ा M15 में देखते हैं कि और छोटा हो सकता है। M15 में कोई ख़ास नहीं हो रहा। ठीक है जी, आप ऐसे कर सकते हैं, और छोटा नहीं होता, यही लेवल रहेगा। सही है, रिफाइन नहीं हो रहा। तो आज जो एनालिसिस हैं उसमें आपने करनी है सेलिंग, बस वेट करना पड़ेगा सेलिंग लेवल का। सेलिंग लेवल जो है वो थोड़ा ऊपर है, मगर इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहाँ से मार्केट आज US सेशन में भी सेल हो सकती है। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन में आज आपने जो सेलिंग करनी है वो 1844 से करनी है। ठीक है, और जो आपका स्टॉप लॉस है ये है एंट्री। ठीक है, ये है एंट्री, एंट्री आपकी जो होगी वो 1844 से होगी। ठीक है, और अगर आपके स्टॉप लॉस की बात करूं तो आपका स्टॉप लॉस इसमें बनता है 1848.50, 1848.50, 4850 नहीं कह रहा बल्कि 1848.50, ये वाला एसएल बनता है। ठीक है, मैं दोबारा इधर टाइप कर देता हूं, 1848.50 ये आपका एसएल बनता है। ठीक है, और हम अपने टारगेट की बात करें तो इस पे हमारा टारगेट बनता है 1825। ठीक है, और सेकंड टारगेट बनता है 1806, ये हमारे दो टारगेट बनते हैं। मार्केट में ये ट्रेंड ट्रेड है, ट्रेंड ट्रेड का मतलब सेल ट्रेंड की ट्रेड है। ठीक है, मार्केट में ट्रेंड ओवरऑल बीरिश है। आप खुद अगर अगर आपको नहीं समझ आ रही, पता नहीं बीरिश कैसे कह रहे हैं सर, तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखें रिसेंट लो ये लगा था। ठीक है, ये लो लगा, ये लो ब्रेक हुआ, तो हमारे पास हाई ऊपर वाला था, लो नीचे वाला था। अब हमारे पास जब तक ये हाई ब्रेक हो के ऊपर नहीं जाता या ये लो ब्रेक करके नीचे नहीं जाता, तो मोर बिरिश नहीं हो सकती और मोर बाय नहीं हो सकती। तो इसलिए हम इस रेंज के अंदर अभी खड़े हैं और इस रेंज में हम प्रॉफिट कर सकते हैं। और मार्केट जो उठी है वो D1 टाइम फ्रेम से उठी है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको मैंशन भी करके दिया था कि 1806 से बाय होगी, और मार्केट का टारगेट 1830 लगभग मैंने आपको कहा था, ये कम अज़ कम 36 मैंने इस तरह कहा था कि 300 पिप्स की ये ट्रेड होगी। और वो अलहमदिल्ला अगर देखा जाए तो वो हमारे प्रॉफिट में आउट हो गई, हिट हो गई है। ठीक है, ये अलग बात है कि मैंने बाद में फिर कटवा दी, मैंने कहा एक दिन में कुछ लोगों ने बाय कर लिया, कुछ लोगों ने मेरे अंदर से 50 लोगों ने बाय किया था और कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने कहा था कि हमने ट्रेड लगाई नहीं। ठीक है,
तो ओवरऑल जिन्होंने बाय कर लिया एडवांस में वो तो मौज मस्ती में चले गया कि हमारा फर्स्ट ही भी वेट हो गया था और ओवरऑल सेकंड टारगेट भी हमारा एनालिसिस के हिसाब से वो भी हमारा डन हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।